अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हना सूफी केयर्स। तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ अपना वन ईयर मेकअप कलेक्शन शेयर करूँगी, तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको मेरी सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। स्टार्ट विद द वीडियो। तो हम शुरू करेंगे प्राइमर से, जो हमारा मेकअप का बेस होता है। ये हुदा ब्यूटी का प्राइमर है जो मैंने ब्यूटी सेंटर से लिया था। इसी के अलावा मेरे पास एक और प्राइमर है, दिस इज़ फ्रॉम मालियाओ, और ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मुझे कुछ 200 रुपीज़ में पड़ा था। ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक और प्राइमर है। तो ये जो प्राइमर है इसे मैंने बहुत यूज़ किया है, इसलिए आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट जो मेरी कलेक्शन है वो है फाउंडेशन। तो ये जो है ये मेबलिन फिट मी, इसके मेरे पास दो शेड्स है। फॉर्चुनेटली हम लोग वुमेंस डे के दिन चले गए थे तो हम लोग को इस पर डिस्काउंट मिला था। तो ये एक और मेरे पास फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन जो है मुझे गिफ्ट मिला था। ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती वैसे तो। और इसके अलावा मेरे पास एक फाउंडेशन जो मैंने ऑनलाइन लिया था, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मालियाओ। तो ये जो फाउंडेशन है ये मेरे फेस के जो स्किन टोन है उसे बहुत सूट करता है। सो नेक्स्ट जो है वो है कंसीलर। ये जो कंसीलर है ये भी मैंने ब्यूटी सेंटर से लिया था। ये कंसीलर बहुत हेल्पफुल है, हमारे डार्क सर्कल जो होते हैं वहाँ अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल ही उसे कवर कर लेता है, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं हमारे फेस पर उसे भी ये कवर करता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं ये है पैनकेक फ्रॉम ADS, ये भी मैंने बहुत यूज़ किया है। तो मेरे पास एक और फाउंडेशन है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मालियाओ। ये लॉकडाउन से पहले ही मैंने ऑर्डर किया था इसीलिए से मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, पर जो इसका पैकिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये जो आप देख सकते हैं इसकी डिब्बी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने ये शेड अभी तक एक ही बार यूज़ किया है। देखते हैं इसकी डिब्बी कितनी प्यारी है, इसीलिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। इसे तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है अभी तक, एक ही बार यूज़ किया है। और ये जो है ये शिमर स्पेशली जो हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है, और आप इसे अपने नेक एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ये है CC क्रीम फ्रॉम लैक्मे, दिस इज़ ऑल्सो BB क्रीम फ्रॉम पॉन्ड्स। उसके अलावा मेरे पास है कुछ डिफरेंट शेड के आईलाइनर्स, ये देख सकते हैं आप सिल्वर, इसका शेड मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको फंकी लुक चाहिए तो आप इस तरीके के आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लैक स्मोकी आइज़ के लिए, और ये वाला भी ब्लैक शेड है, मुझे ब्लैक शेड बहुत ज़्यादा पसंद है आईलाइनर की, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लैक कलर के शेड ज़्यादा है लाइनर्स के। इसके अलावा मेरे पास है सुरमा जो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं इसे अप्लाई बहुत रेगुलरली करती हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट शेड ऑफ सुरमा है। इसमें एक ग्रे है, एक स्मोकी है, और एक जो है प्लेन ब्लैक कलर का है। इसके अलावा मेरे पास है मस्करा जो हमारे आईलैशेस को डार्क, बोल्ड और कर्ल करने में हेल्प करते हैं। अगर आप मस्करा रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो आप मानेंगे नहीं, पर ये हमारे आईलैशेस की ग्रोथ को भी इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा मेरे पास है काजल, तो ये आप देख सकते हैं। ये काजल को मैं दो तरीके से यूज़ करती हूँ, इसे एज अ काजल भी यूज़ करती हूँ, और मैं इसे कभी कभी आईलाइनर की तरह भी अपने आईलैशेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो इसे इस पेंसिल की हेल्प से अप्लाई करते हैं। और ये है आईब्रो पेंसिल वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे ऑलरेडी आईब्रो शेप में है। इसके अलावा मेरे पास है एक और मस्करा, ये है हुदा ब्यूटी का, और काजल। तो ये मेरे पास है पेन लाइनर मुझे लाइनर की जगह बहुत पसंद है क्योंकि ये इंस्टेंटली हमारे आईज पर सूख जाता है, और ये इजी टू अप्लाई है। इसके अलावा मेरे पास है कुछ और काजल, और ये जो है ये ब्लू कलर का काजल है। ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि काजल से ही हमारा मेकअप जो है अच्छा दिखता है, काजल के बिना लुक ही नहीं अच्छा लगता। तो ये मेरे पास है हाइलाइटर, ये जो है मैंने लिया था ऑनलाइन, दिस इज़ फ्रॉम लंडन आइकॉनिक। तो ये जो हाइलाइटर है इसे मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किया था,
इसका शेड मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इसे अपने चिक्स और नोस एरिया में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने फेस पर एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा। और ये मेरे पास है आई शेड्स, इसका मेरे पास अलग अलग शेड्स का पूरा एक डब्बा है। ये मेरे पास बहुत पुराना है और इसे मैंने बहुत यूज़ किया। इसके पास एक और आई शेड्स का पूरा पैलेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, इसे मैं अपने बैग में हमेशा रखती हूँ। और इस पैलेट्स में जो सारे शेड है वो सारे स्मोकी है, कोई भी ज़्यादा ब्राइट शेड नहीं है। तो ये मेरे पास एक और काजल है, ये जो है ये 24 आवर्स है वाटरप्रूफ और स्मच प्रूफ। ये काजल देख सकते हैं आप, ये 2-in-1 काजल है, इसके अंदर 2 शेड्स है। ये बिल्कुल ही न्यू है, पैकिंग आप देख सकते हैं, इसे मैंने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा सम हिजाब पिंस। और अभी आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है लिपस्टिक्स। लिपस्टिक जो है मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे पास इसका बहुत बड़ा कलेक्शन है। मेरे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड के और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के अलग अलग लिपस्टिक्स है। स्टफ जो मेरे पास लिपस्टिक है वो सारी हुदा ब्यूटीज़ की है। इसके अलावा भी मेरे पास डिफरेंट शेड्स हैं। ये सारे मेरे पास ज़्यादातर ग्लॉस फॉर्म की लिपस्टिक्स है, ये आप देख सकते हैं। अनदर शेड, मुझे रेड कलर के शेड ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरे पास ज़्यादातर रेड कलर के हैं। ये वाला जो है ये भी है हुदा का, जो मैंने ब्यूटी सेंटर से लिया था। इसका शेड मुझे बहुत पसंद है, ये डार्क पिंक कलर का शेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो मैं आपको शेड बताने वाली हूँ वो मेरा मोस्ट 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 फेवरेट शेड है, जो है रेड कलर का। मैं ज़्यादातर जो भी फैमिली फंक्शंस होते हैं या जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मैं ज़्यादातर ये रेड कलर का ही शेड यूज़ करती हूँ और इसे मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेड्स हैं और ये लिप्स पर बहुत अच्छे लगते हैं अप्लाई करने के बाद। और ये मेरे पास एक है वाइन बॉटल की शेप की लिपस्टिक, इसकी बॉटल बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। और ये जो शेड है ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है, मैं आपको अभी इसे अप्लाई कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं इसका शेड कितना बोल्ड है और ये हर ड्रेस के साथ आपका जो भी लुक होगा ये उसी के उसके साथ बहुत अच्छे से जाता है ये शेड, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली जो इसकी बॉटल लुक है ये मुझे बहुत पसंद है। साथ है मेरे पास सम मोर लिपस्टिक्स, ये वाली बहुत पुरानी लिपस्टिक्स है जो कि मैं अभी यूज़ नहीं करती। और से सम मोर लिपस्टिक, ये जो लिपस्टिक है ये किस प्रूफ लिपस्टिक्स है और ये मैट शेड है, ये भी लिप्स पर बहुत अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको लग रहा होगा लिपस्टिक पर ये लिपस्टिक नहीं है, ये मेरा है पॉकेट परफ्यूम। और मेरे पास है कुछ और लिपस्टिक, ये जो लिपस्टिक है ये हैवी लुक के लिए है और बहुत ही बोल्ड लुक के लिए। ये जो इसका शेड है वो है डार्क मरून, तो ये जो आप अगर डार्क कलर के कोई ड्रेस पहनेंगे तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। बहुत पसंद है ये है कुछ और लिपस्टिक, ये पिंक कलर की है, ये मेरे पास पिंक कलर का शेड, इसके अलावा बहुत सारे लिपस्टिक आप देख सकते हैं। ये है उदा ब्यूटी की पिंक कलर की शेड, ये है ग्लॉस में, इसका जो कैप है वो कितना प्यारा है आप देख सकते हैं, सिल्वर कलर का है, बिल्कुल समझ समझ आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और है और भी और बहुत सारी और दूसरी लिपस्टिक्स, इसके अलावा और लिपस्टिक्स कुछ और लिपस्टिक्स और ये मेरे पास है लिप बाम। लिप बाम तो हर लड़की को अपने बैग में ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं भी अपने बैग में हमेशा रखती हूँ। इसके अलावा मेरे पास है ये हाइलाइटर, ये हाइलाइटर भी मेरी स्किन टोन के हिसाब से मैंने लिया था मैच करके ब्यूटी सेंटर से। और ये एक और लिपस्टिक, और ये जो है ब्लेंडर, और ये जो मेरे रेगुलर ब्रशेस जो मैं यूज़ करती हूँ मेकअप करने के लिए, और ये मेरे पास है आईलैशेस जो हमारे आई मेकअप को बहुत अच्छा लुक देते हैं। ये है मेरे पास एक और लिपस्टिक, ये है लैक्मी 95, ये हमारे लिप्स को बहुत अच्छा शेड देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कोई हैवी लिपस्टिक अपने लिप्स पर लगाया है। तो लिपस्टिक्स के बाद ये है मेरे पास लिप लाइनर, जो स्पेशली हमारे लिप्स को फिनिशिंग टच देने के लिए यूज़ होता है। ये है मेरे पास एक और शेड्स का पैलेट, ये एक और आई शेड्स का पैलेट है, इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये है मेरे पास कुछ और मेकअप्स, तो आइए देखते हैं खोल कर के इस बैग में क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे पहले है ये कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ,
और मेरे पास है कुछ और लिपस्टिक्स। ये लिपस्टिक्स का मैंने पूरा सेट लिया था, ये है ADS का। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास मेकअप से ज़्यादा तो लिपस्टिक है, क्योंकि मुझे लिपस्टिक्स के बहुत 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 शौक़ है। ये कुछ अलग अलग शेड्स की लिपस्टिक है, सारे लिपस्टिक ये मैट में है जो हमारे लिप्स को एक मैट फिनिश लुक देते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पास कितने 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 सारे लिपस्टिक्स हैं। तो ये मेरे पास है एक और आई शेड्स का पैलेट, ये वाला जो मैंने आपको जो प्रीवियस बताया था उससे, ये मेरा बहुत फेवरेट है। स्पेशली ये जो आप देख सकते हैं ये जो तो कॉर्नर के शेड्स है, ये मुझे बहुत पसंद है और इसके सारे शेड्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे पास है, इसमें भी देख सकते हैं आप कितनी सारी लिपस्टिक्स भरी हुई है। ये है रेड कलर और लिपस्टिक्स, ये है दो लिपस्टिक, एक ऑरेंज है और ये वाली जो है रेड है, और भी इसके अलावा मेरे पास अलग अलग शेड की, ये ऑरेंज है, ये मैट की है, और भी मेरे पास बहुत 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 सारे लिपस्टिक है। ये भी है हुदा ब्यूटी की, इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, ये भी डार्क मरून कलर की लिपस्टिक्स है, और ये है ब्यूटी ब्लेंडर, एक और ब्यूटी ब्लेंडर। इसकी बॉटल कितनी प्यारी है देख सकते हैं आप। और मेरे पास नीचे है कुछ और लिपस्टिक्स डिफरेंट ब्रांड्स की, और ये है आईलाइनर, बहुत अच्छे आईलाइनर्स हैं, और ये है काजल है, ये ग्रीन कलर का। ये आपको अगर फंकी लुक चाहिए या आपको बहुत हैवी लुक चाहिए तो ये ऐसे कलर के शेड्स भी बहुत आपके आईज़ पर अच्छे लगते हैं। ये है कुछ और लिपस्टिक, ये भी मैट फिनिश है। वीडियो पूरी हो गई है और आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा पूरा मेकअप कलेक्शन। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी सबसे अच्छी कौन सी शेड की लिपस्टिक लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।